भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैकटॉप पोस्ट पर कब्जा किया है बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस भी वहां से हटा दिए गए हैं। तो एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जहां एक तरफ पहले से ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव जारी था, वहीं 29 और 30 अगस्त को एक बार फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और कहीं ना कहीं चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। बॉर्डर के सिचुएशन पे जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ महीने से जो तनाव चल रहा है ये बात पूरे दुनिया जानते हैं, और इसमें जो भारत सरकार सक्षम रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हो या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो या रक्षा मंत्री हो, सभी लोग इसको बहुत सक्षम रूप से इसको निपट रहा है। और हमें अपने देश के सेनाओं पर गर्व है, उनके वजह से आज तक जो है हमारा सीमा सुरक्षित रहा है, अभी भी सुरक्षित है। तो इसमें मैं समझता हूँ यहाँ के सिविलियन लोगों को कोई शंका होने के, कोई डाउट होने के कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के सरकार जो है वो पहले के सरकार की तरह बिल्कुल ही नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरे दुनिया में डंके के चोड़ पे पूरे दुनिया में परचम लहराने वाले ये सरकार है। तो ऐसे सक्षम सरकार में, ऐसे सक्षम देश के सेना के लीडरशिप में किसी भी सिविलियन को चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। सर, साउथ बैंक पेंगोंग सोम में एक बार फिर से नया एक और सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसको आप किससे देखें? मेरे पास इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं ऑथेंटिक स्टेटमेंट में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो वहाँ के लोकल सोर्सेज की वजह से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और मीडिया के जरिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली में वहाँ जाने का मुझे अवसर नहीं मिला। तो एग्जैक्ट ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसका जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के पास होगा, रिलायबल सोर्स के पास होगा, वो भारत सरकार के जानकारी में है। क्या प्लान करें सर, आप वहाँ विजिट करेंगे बॉर्डर पर? मेरा कोशिश है अभी जल्द से जल्द मैं वहाँ एक बार फिर से विजिट करके लोगों के साथ मिल के लोगों का क्या दुख तकलीफ है वो सारा सुन के आएंगे और भारत सरकार को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर इस वक्त जुड़े हुए हैं। इश्फाक, जिस तरीके से कल हमने देखा था, इससे पहले किस तरीके से 29 और 30 अगस्त को सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था, और उसके बाद अब खबर आ रही है कि रणनीतिक तरीके से पूरी मुस्तैदी बॉर्डर पे बढ़ाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लगातार जो बॉर्डर है, जो चाइना का बॉर्डर है, वेस्टर्न कमांड के अंदर जो बॉर्डर है हमारा, वो ऑन हाई अलर्ट है। और ये हाई अलर्ट हमने कल उस वक्त भी देखा, 29 और 30 तारीख की रात को भी देखा, जब चाइना के कुछ एक टुकड़ी जो 300 से लेकर 500 तक की थी वो एक पहाड़ी को कब्जा करने के लिए आ रही थी, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही था, अलर्ट ट्रूप्स पहले ही थे, उन्होंने उन्हें पीछे धकेला वापस, जिसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा अलार्मिंग हुई, क्योंकि ये जब उन्हें वापस खरीदा गया, वापस पीछे बैग पुश बैक किया गया, तो उसके बाद एक और बड़ी खबर जो लद्दाख से आई वो ये थी कि एक और चौकी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटजिकली हाईली पोटेंशियल वाली चौकी है, जो तकरीबन LAC से 4 किलोमीटर वाली अंदर की चौकी है, उस पर भारतीय सेना जो है वो वहाँ पर आई है और उन्होंने अपनी चौकी वहाँ पर लगा दी है और वो उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और जब ये खबर आज सुबह डेवलप हुई तो उसके फौरन बाद चीनी विदेश मंत्रालय से लेकर PLA के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन में हड़बड़ी साफ नजर आई, और सुबह से लगातार एक के बाद एक ट्वीट वहां से किए जा रहे हैं कि देखिए, हम बातचीत के जरिए से मसले का हल चाहते हैं और आप जिस पोस्ट पर आइए इस पोस्ट को छोड़कर आप पीछे चले जाइए। अब नेगोशिएशन जो है वो और ज्यादा पावरफुली आगे बढ़ रही है, लेकिन जहां एक तरफ से नेगोशिएशन चल रहा है, सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि सैनिक वार्ता भी चल रही है, लेकिन खबरें जो LOC से आ रही है वो हमें काफ़ी हाई अलर्ट पर रख रही है, क्योंकि सुबह हमने देखा दिल्ली के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो चाइना स्टडी ग्रुप के चेयरमैन भी है, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने रिव्यू लिया उस पूरी वारदात का जो 28, 29, 30 और 31 तारीख को हुआ है, और उसके बाद माना जा रहा है कि आज जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो भी एक मीटिंग दिन में ले रहे हैं, सारा लद्दाख के प्रोस्पेक्टिव में जो है वो मीटिंग
शूटिंग्स हो रही है, तो ये सिचुएशन इस वक्त है दिल्ली के अंदर। लेकिन ग्राउंड जीरो की जहां तक हम बात करें तो ट्रूप्स दोनों तरफ से, फौज जो है वो हाई अलर्ट पर है। पीएलए की अगर हम बात करें तो लगातार हमने देखा कि बी2 बॉम्बर्स को लेकर वो कल रात भर वो हवा में चल रहे थे, और उसी तरीके से हमने जिस तरीके से LAC पर वायुसेना को लगाया था, तो वायुसेना भी अपने तरीके से हवा से जमीन पर नजर रखी हुई थी, और अभी भी वो माहौल उसी तरीके का बना हुआ है, किसी तरीके का लेट डाउन नहीं हुआ है। तो टेंशन बहुत ज्यादा बॉर्डर पर है, और उसके साथ साथ उस टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए कोशिशें भी चल रही है। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से टैंकों की तैनाती कर दी गई है। अगर काला टॉप हिल की बात करें तो वहां पर भी भारतीय सेना की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां पे जितने कैमरे थे, सर्विलेंस थी, उन सबको भारतीय सेना ने उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए बिल्कुल, जिस चौकी की आप बात कर रहे हैं जहां पर PLA ने अपना सर्विलेंस कैमरा लगाया था ताकि वो सर्विलेंस से नजर रखे, कैमरा से नजर रखे, जब उस चौकी को टेक ओवर किया गया तो वहां पर जितना भी सामान था वो सारा तहस नहस हुआ है, जिसके बाद वो कंट्रोल में आया और उनका जो वहां इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता था वो सारा कट गया है। यही मैंने आपको कहा कि दोनों तरफ से ट्रूप्स अलर्ट है, और जिस तरीके से टैंक डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट की बातें हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उसका इम्तिहान पहला हो गया जब उन्होंने वहां से हरकत की, तो हमारी जो सेना वहां पर मौजूद थी उन्होंने उसको अकॉर्डिंगली डेल्ट किया, उनको धकेला, तो जो हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए चीजें, ट्रिपल टायर चीजें लगाई थी वो कामयाब साबित हुई है। और अब जो रणनीति बन रही है वो यही है कि पुश बैक किया जाए चाइना के PLA के आर्मी को बहुत सारी जगहों पर, ताकि और ज्यादा इसमें बार्गेनिंग में जो है वजन पैदा हो। जी लेकिन अगर इश्तफाक अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, और इससे पहले गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी तब भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, और उसके बाद लगातार बातों का, मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन उसका कुछ ज्यादा रिजल्ट निकल के नहीं आया, और अब एक बार फिर से मीटिंग चल रही है। तो क्या लगता है कि चाइना जो कहता है उस पर वो कभी टिकता नहीं है, तो अब जब वो बात करने की बात कह रहा है तो इससे कोई हल निकलेगा? देखिए गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें फौजी जवान शहीद हुए, उसके बाद जो वार्ताएं हुई हैं उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिला, बफर जोन बने और फौजें पीछे पीछे हट गई, आईबॉल टाईबॉल की सिचुएशन उस एरिया में कम हुई। लेकिन जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, पेंगवान, TSO, दीपसांग, गोगरा पोस्ट और आगे के इलाके जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव एरियाज हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये पता थी जब वार्ता शुरू हुई थी, जब ये पेंगवान TSO के अंदर आएंगे तो यहाँ पर वार्ता जो है वो थमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्योंकि हमारा जो प्रसिप्शन पेंगोन सो के अंदर वो फिंगर 8 है, उनका फिंगर 4 है। पहले ये होता था कि दोनों म्यूचुअल पेट्रोलिंग करके चले जाते थे, बफर जोन था, कोई भी आया जाता था, लेकिन वहां टिकता नहीं था। अब वो टिके हैं 4 पर, इसलिए उनका वापस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही है भारत सरकार की तरफ से ये बात कही गई। लेकिन चाइना जो आज भी, जो उनका विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए से समाधान चाहते हैं, लेकिन क्या PLA समाधान करना चाहता है, और PLA जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या वो समाधान चाहती है? जब आप ग्राउंड को एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि वो बिल्कुल समाधान नहीं चाहते। क्यों? उनका 2023 का मिशन है, 2023 मतलब उनका विस्तारवादी नीति, यानी हमने अपना टेरिटोरियल लैंड बढ़ाना है, हमने मिलिट्री माइंड के जरिए से काम करना है, और हमने फाइनेंस के जरिए से काम करना है। उन्हें लग रहा था कि शायद भारत के अंदर भी वही चीज चलेगी, और भारत जिस तरीके से पहले बहुत बार खामोश हुआ था इस बार भी खामोश होगा, वो चीज हुई नहीं। बिफेटिंग रिप्लाई आया, वापस जवाब आया, जिसके बाद हलचल काफी ज्यादा PLA के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इश्फाक तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर भारत ने अब चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये साबित कर दिया है कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अगर चीन ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा।